नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो सर। सर। हेलो सर। हेलो। चलो, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका एक बार मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कल हमने पढ़ाया क्या था वैसे? मैं खुद ही भूल गया। अच्छा, ड्रायर, स्टेट ड्रायर सर, स्टेट ब्लो स्टेट ड्रायर सर। ड्रायर था। ओके, तो हमने कल स्टेट ब्लो ड्रायर का, जब हमें स्टेट ब्लो ड्रायर करना होता है तो उसमें हमें क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है, मेन कौन कौन से मैंने पॉइंट बताया था। कोई भी नहीं बताएगा, मैं किसी लड़की से पूछूंगा क्योंकि उनको कम आता है ड्रायर ना। सोनाली शर्मा आ पाए? सुमन? हाँ जी। सोनाली जी, चलो आप आए। सोनाली जी, मुझे ये यस सर। बताएं कि जब हम स्टेट ब्लो ड्राई करते हैं तो मेन जो हमारे पॉइंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखना आपको, जिससे आपका अच्छा ड्रायर होएगा? एक तो सर हेयर होल्डिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। हेयर्स को होल्ड करके रखना जिससे स्ट्रेट ब्लो ड्रायर अच्छे से हो। और बालों में आपको क्या बोलते हैं, ज्यादा ही हेवी बाल हो तो उसकी पार्टीशन, फोर पार्टीशन करनी है। कम वॉल्यूम वाले बालों पर थ्री पार्टीशन करनी है। और ब्लो ड्रायर को अपर और मतलब थ्री पार्ट में, मतलब उस पर ब्लो ड्रायर करना है, मतलब दोनों साइड और ऊपर से। सॉरी, मुझे थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में वो हो रहा है सर, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लो चलो, ड्रायर नेक्स्ट नेहा। हाँ सर। जी, स्टेट ब्लो ड्राई करते के टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट? हाँ हाँ बताओ। हेलो सर, आवाज हाँ, मुझे आ रही है आवाज, बोलिए। नहीं, आपने क्या क्वेश्चन किया सर? जब हम स्टेट ब्लो ड्राई करते हैं तो हाँ उस टाइम, मैंने आपको कल स्टेट ब्लो ड्राई सिखाया था, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जिससे हमारा स्टेट ब्लो ड्राई अच्छा होगा? डेंसिटी वालों की। डेंसिटी वालों की अच्छी होनी चाहिए जब भी स्टेट ब्लो ड्राई अच्छा होगा ना। हाँ नहीं सर, लेकिन जैसे हीटिंग हीट टेम्पर टेम्परेचर अलग अलग रखना चाहिए बालों के हिसाब से। ठीक है, तो आप मतलब ड्रायर का 190 टेम्परेचर रखोगे? हाँ ठीक है, और ड्रायर का और कौन कौन से टेम्परेचर होते हैं ड्रायर के अंदर? ठीक 180, है, टू टेन, ठीक वन है, सिक्सटीन और 160। ठीक है, और आयरन के अंदर कितना टेम्परेचर होता है? ये तो आपने ड्रायर का बताया। हाँ आर्यन का ज्यादा। आपने वैसे कभी ड्रायर यूज किया? आपने हाँ सर, मैंने ड्रायर को ड्रायर कभी में यूज किया है? टेम्परेचर, सॉरी सर। अब पता चल गया अपनी गलती। हाँ सर, सॉरी। हाँ तो अब बताओ, ड्रायर यार, का क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना है स्टेट ब्लो ड्रायर करते टाइम? कूल, सेमी कूल, हाई। ठीक है, हीट का तो मैं पूछ नहीं रहा। जब आप स्टेट ब्लो ड्रायर करते हो ना, हीट का तो चलो होता ही है, जब आप स्टेट ब्लो ड्रायर करते हो तो उसमें आपको और क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है, सर मतलब जैसे होल्डिंग, सर आपका? बालों की होल्डिंग, ठीक है, डिग्रीज, और ठीक है, और होल्डिंग प्रॉपर से होना चाहिए। और डिग्री के हिसाब से फोर सेक्शन, यानी नॉर्मली जो फोर सेक्शन होते हैं उसी हिसाब से। ठीक है। सर मुझे एक्सप्लेन करने को नहीं हो रहा है सर अभी। हाँ, अभी कुमार आ पाओ।
यस सर। हाँ जी आप बताओ वही चीज जो इनसे पूछ रहा हूँ मैं। सर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए आपकी होल्डिंग में हेयर को, ताकि आप प्रॉपर उसके ड्राई कर सके। और जब एक बिल्कुल बार रूट एरिया हमने क्लियर कर दिया, तो जब हम आगे ड्राई करेंगे तो वापस रूट पे जाने की जरूरत नहीं है, इससे फिर बालों को ज्यादा डैमेज होता है। ठीक है। और मुझे मैं ना एक पॉइंट में मैंने बताया तो नहीं है पर मैं चाहता हूँ आपसे सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं दोबारा बार बार सभी को बुला रहा हूँ। कौन है जो ब्लो ड्राई करता रहता है? क्योंकि जो ब्लो ड्राई करता है तो उनको पता है कि हाँ, तो आप मुझे बताएं जब आप ब्लो ड्राई करते हो। हाँ जी डिग्री का रूट क्लियर होते हैं, रूट क्लियर करना स्कैल्प पे हीट नहीं आना चाहिए। हाँ जी और पे हीट नहीं आना चाहिए, रूट क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए। जो ब्लो ड्राई करते स्ट्रेट ब्लो ड्राई तो उसमें जो पैडल से करते हैं तो जो ए सेक्शन करते, जो डाउन सेक्शन करते तो नेक डाउन करना, जो क्लाइंट का बैक सेक्शन करते तो नेक डाउन करना चाहिए क्लाइंट का। बिल्कुल हाँ जी। और जो फ्रंट से करते तो भी नेक डाउन करना चाहिए, क्योंकि जो हीट स्कैल्प पे नहीं आए। ठीक है। और जो स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते तो हेयर क्वालिटी चेक करके ब्लो ड्राई करते, जैसे किसी के हेयर डैमेज है, ब्रेकेज है, तो ज्यादा हीट नहीं दे सकते उसको, ड्राई और डैमेज हो जाएंगे उसको, हीट प्रोटेक्शन लेना चाहिए उससे अभी। हाँ जी। और एक और चीज है, हमारा जो कटिंग होता है ना उसको भी देखना पड़ता है। 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए और हमारा बालों का कटिंग क्या हो रखा है उसके अकॉर्डिंग भी हम ड्राई करते हैं। लेकिन मैंने आपको फिलहाल स्ट्रेट ब्लो ड्रायर सिखाया तो उसमें कटिंग कोई भी हो स्ट्रेट ब्लो ड्रायर आप कर सकते हो, लेकिन जब आप कोई कटिंग करते हो ना तो आपसे हेयर छूटेगा, ठीक है, आपसे अच्छे से होल्डिंग नहीं हो पाएगा, तो वहां पर आपको कटिंग भी देखना होता है। किसी का वी कट हो रखा है, ठीक है, उनका जो कट है वो वी शेप में जा रहा है, तो वहां पर अगर आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई करोगे तो आपका जो छोटा बाल होगा वो आपसे हाथों से छूटने लग जाएगा, तो वो आपको एंगल भी देखना पड़ता है। आपकी जो पोजीशन होती है वो भी मेन होती है, ठीक है, तो खड़े होने की पोजीशन मेन है, ऐसा नहीं कि आप राइट खड़े और लेफ्ट से ड्राई कर रहे हो, ठीक है, वो चीज आपको छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने बोला जब आप नए पेरे से काम करते हो तो हेड को थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हो, ठीक है, जब आप बॉक्स एक्शन करते हो तो चिन अप कर सकते हो, क्लाइंट को थोड़ा सा हेड को उनको उठा सकते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत हो रही हो फिर भी आप कर रहे हो, हो सकता है आप कर सही रहे हो पर क्लाइंट का जो हेड है वो थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, आपने सही नहीं किया हुआ, तो वहां भी गलती हो सकती है, ठीक है, तो जहां पर आपको सही लगता है क्लाइंट का हेड को वहीं पर ही रखो। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा हेड मसाज है, तो हेड मसाज आज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद अभी फिलहाल मैं आपको आज डमी पे ही बताऊंगा। जब हम हेयर ट्रीटमेंट हेयर स्पा करेंगे तो आपको एक मॉडल के ऊपर भी आपको मैं हेड मसाज करूंगा, आपको तो समझ आ जाएगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ उसमें कैसे कौन से मैं स्टेप कर रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है, तो इसलिए आपको सारा चीज एक एक चीज नोट करनी है, आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हो। तो सबको मैंने म्यूट कर दिया, तो हेड मसाज के बेनिफिट क्या होता है? एक तो हमारा हमारा बॉडी ना देखो टॉक्सिन फ्री होना जरूरी होता है, ठीक है, तो हमारा जो बॉडी जैसे थकावट होती है ना, थकावट हमारा जैसे हो रहा है तो टॉक्सिन जैसे हमारी बॉडी से रिमूव होगा हमें रिलैक्स मिलता है, तो हेड मसाज से हमें रिलैक्स मिलता है, हमारी जो एनर्जी लेवल होती है उसको भी बूस्ट करता है, बढ़ाता है, हेडेक हो रहा है, बैक पेन है किसी को, ठीक है, तो उससे भी हमें रिलैक्स मिलता है, ठीक है, किसी को बैक पेन हो रहा है, हेड में पेन हो रहा है तो वहां पर उनको रिलैक्स मिलेगा। तो हेड मसाज के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, एक तो हमारा हेयर ग्रोथ जो होती है उसको भी फास्ट करता है, आप खुद की एक्सरसाइज कर दो, आप बॉडी की अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन आप हेड मसाज नहीं कर रहे हो, हेड मसाज का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑयल यूज करो, ठीक है, हेड मसाज आप बिना ऑयल के भी कर सकते हो, किसी का ऑयली स्कैल्प है, वैसे अगर मैं बात करूं
भगवान ने जो हमारी बॉडी बनाई हुई है ना, हमें ऑयल की भी जरूरत नहीं होता। आपको भी पता है हमारा नेचुरल जो सीबम निकलता है ना, सेबेसिस ग्लैंड जो होता है वो नेचुरल सीबम हमें देता है। तो नेचुरल सीबम दे रहा है तो हमें ऑयल की तो जरूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे शैम्पू यूज करते हैं, ठीक है, ड्रायर यूज करते हैं, इसकी वजह से हमारा जो स्कैल्प होता है, किसी का बहुत ज्यादा ड्राई भी होता है, किसी का स्कैल्प डैमेज होता है, तो वहां पर हमें ऑयल यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऑयल की वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन आपका स्कैल्प ड्राई है तब आपको यूज करना पड़ेगा। किसी की ऑयली स्कैल्प है वहां पर आपको ऑयल यूज नहीं करना है। तो ऑयल आपको कहाँ पर यूज करना है, किसी की ड्राई स्कैल्प है वहां यूज करो, किसी की नॉर्मल स्कैल्प है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आप वहां पर अगर आप सिर्फ हेड मसाज भी कर रहे हो ना तो भी चलेगा। कुल मिला के आपको यहाँ पर हेड मसाज करना है स्कैल्प का। अगर आप हेड मसाज कर रहे हो तो आप एक तरीके से आपके स्कैल्प जो है उसकी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। आपको भी पता है एक्सरसाइज आप करते हो तो उसके कितने सारे बेनिफिट होते हैं। तो ऐसे ही हमारे हेड का बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। हमारे हेयर का ग्रोथ जो है वो फास्ट होएगा, हेयर हेल्थी रहेगा, बाल बीच में से टूटेगा नहीं, ब्रेकेज नहीं होएगा, डैंड्रफ नहीं होएगा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं जैसे हेयर फॉल होता है, तो ये सारी चीजें हमें नहीं मिलेगा अगर आप हेड मसाज कर रहे हो। ठीक है, तो हेड मसाज के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इतने बेनिफिट है तो मैं ये भी कम हो गया जितने बताया। तो हेड मसाज करने से पहले आपको ऑयलिंग करना होता है, क्योंकि सैलून में तो हमें ऑयल तो लगाना ही है ना, तो बिना ऑयल के तो हमें करना ही नहीं है हेड मसाज। तो बेस्ड ऑयल मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप कौन कौन से ऑयल यूज कर सकते हो। तो हेड मसाज के लिए जो आपका बेस ऑयल होता है, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। ठीक है, नारियल का जो तेल होता है उसको आप यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है उसको आप यूज करो, एक कैस्ट्रोल ऑयल होता है, कैस्ट्रोल ऑयल आप यूज कर सकते हो, आप एलमंड ऑयल यूज कर सकते हो, आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग ऑयल होते हैं, आप इनमें से तो बेस ऑयल में आपको बता चुका हूं आप कौन कौन से ऑयल को यूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल जो नारियल का तेल होता है उसको यूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल हेयर फॉल किसी को हो रहा है ना, उसमें इन सब में से कोकोनट ऑयल अच्छा रहता है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल भी अच्छा है, जो आपका सरसों का तेल होता है, आपको भी पता बहुत पहले ये जाता है सरसों का तेल ही लगाया जाता था। कैस्ट्रोल ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल, एलमंड ऑयल। कैस्ट्रोल ऑयल कैसा होता है, ये थोड़ा सा चिपचिपा सा, थिक थिक सा होता है। ठीक है, इस टाइप से एक बार आपने गूगल भी सर्च करना है किस टाइप का होता है ये। तो ये सब आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, एलमंड ऑयल, बादाम का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल हो गया, तो ये सारे आप ऑयल यूज कर सकते हो। तो ये एक बेसिक ऑयल होते हैं। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पर अरोमा ऑयल यूज कर सकते हो। तो अरोमा ऑयल जो होता है इसको ना एक छोटी सी सीसी आती है। ठीक है, बड़ा महंगा ऑयल आता है ये अरोमा ऑयल, इतना भी महंगा नहीं है, मतलब महंगा आता है ये, सभी ऑयल से महंगा होता है ये अरोमा ऑयल। तो अरोमा ऑयल में आप क्या कर रहे हैं, अरोमा ऑयल को आपको बेस ऑयल के साथ मिक्स करना है। कभी भी आप अरोमा ऑयल को एक सिंगल यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप बेस ऑयल को सिंगल यूज करो, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इस सब को आप सिंगल यूज कर सकते हो, डायरेक्ट आप स्कैल्प पे यूज कर सकते हो, लेकिन आप अरोमा ऑयल को आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अरोमा ऑयल जो होता है ये हमारा फ्रूट, फ्लावर, ठीक है, हर्ब्स, ये सभी चीजों से मिलके बना हुआ होता है, अलग अलग चीजों से बना हुआ है, तो इसलिए ये प्योर ऑयल होता है। तो प्योर ऑयल है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अरोमा ऑयल भी बहुत सारे होते हैं, एक ऐसा नहीं है मैं बोल सकता कि आपको एक सिंगल ऑयल मिलेगा। तो इसमें भी आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे रोजमेरी ऑयल, दो ऑयल बता रहा हूं मैं जो यूज किए जाते हैं मेन हेयर के लिए। ठीक है, यही ज्यादा यूज होता है, एक टी ट्री ऑयल,
तो अरोमा ऑयल जो होता है इसके अंदर आपको कौन कौन से ऑयल ले सकते हो, सिर्फ दो ही ऑयल आपको लेना है, एक रोज मैरी ऑयल और दूसरा है टी ट्री ऑयल। तो जो ये दो ऑयल है इसको आपको लेना है। अरोमा ऑयल को क्या करना है, आपको बेस ऑयल के साथ मिक्स करना है। जब आप बेस ऑयल और अरोमा ऑयल को आपस में मिक्स करते हो तो आपका जो पेस्ट बनता है उसको बोलता है प्री ब्लेंडेड ऑयल। कौन सा ऑयल होता है, बेस ऑयल प्लस अरोमा ऑयल। तो जब आप बेस ऑयल प्लस अरोमा ऑयल को मिक्स करते हो तो आपका बनता है प्री ब्लेंडेड ऑयल। तो ये जो ऑयल होता है अब आप इसको यूज कर सकते हो स्कैल्प पे। अरोमा ऑयल के बेनिफिट क्या होता है, देखो आपका ये स्कैल्प को तो हेल्थी करता ही करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीजें आपको मैंने बताई चुका हूँ, ये फ्रूट्स फ्लावर हर्ब्स वेजिटेबल इस सारी चीजों से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। आप लास्ट 3 ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ज्यादा आपको यूज नहीं करना, 3 to 4 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 3 to 4 आप यहाँ पर ड्रॉप्स यूज कर सकते हो, एक आप अपने बेस ऑयल के अंदर। ठीक है, तो अरोमा ऑयल को आपको बेस ऑयल के साथ कितना मिक्स करना है, 3 to 4 ड्रॉप्स। अब आप यहाँ पर कितना ले रहे हो सकता है आप यहाँ पर बहुत सारा ले रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा भी ऐड करना पड़ सकता है, ठीक है, एक इसका अंदाजा रहता है, कोई मैं इसका मिक्सिंग रेशो नहीं बता सकता कि आपको इतना लेना है, बस आपका ये जो ऑयल होता है वो आपको थोड़ा कम, आपका स्कैल्प पे कितना ऑयल लगता है वो आपको ही पता है, स्कैल्प पे कितना ऑयल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 to 4 ड्रॉप्स आप यहाँ पर ले सकते हो। और यहाँ इसको आपको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद अब आपको ये स्कैल्प पे यूज करना है। अरोमा ऑयल आपको दो मिले, दो आपको लेके रखना है, एक रोजमेरी ऑयल टी ट्री ऑयल। अरोमा ऑयल की स्मेल इतनी एक अच्छी होती है, ठीक है, इतनी तेज होती है, ये आपके ना बॉडी के अंदर भी जाके काम करता है। आप स्कैल्प पे तो कर ही रहे हो, हेड मसाज कर रहे हो, उसके तो बेनिफिट है ही है, आपके बॉडी के अंदर के अलग से और भी इसके बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी स्मेल भी जो होती है बहुत तेज होती है, ऐसा भी नहीं कह रहा मैं, बहुत बेकार होती है, अच्छी वाली होती है, ठीक है। तो रोजमेरी ऑयल और टी ट्री ऑयल आपको लेना है। आपने कुछ जैसे अरोमा ऑयल आपने इसको दूसरे नाम से भी जाना होगा, जैसे एसेंशियल ऑयल ऐसा कुछ, ठीक है, एसेंशियल ऑयल जो होता है वही अरोमा ऑयल होता है, तो इसमें अगर आपको पता है एसेंशियल ऑयल के बारे में तो वो यही होता है अरोमा ऑयल, तो अरोमा ऑयल बोलो या एसेंशियल ऑयल बोलो तो एक ही रहता है। तो हेड मसाज के बेस ऑयल होते हैं और एक अरोमा ऑयल होता है, तो आप अगर अरोमा ऑयल को मिक्स करोगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो हम आगे अब स्टार्ट करते हैं। तो हेड मसाज जब आप करते हो तो यहां पर आप फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, जैसे आपने पहले जैसे क्लाइंट आपके पास आया, आपको हेड वॉश यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। हेड वॉश क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पर ऑयल के एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हेड वॉश कब करना है, बाद में करना है, लास्ट में करना है। अगर आपने पहले ही कर दिया तो वहां पर आपको दोबारा दोबारा मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए आप क्या करोगे, पहले आप बिना हेड वॉश करे आप यहाँ पर सेक्शनिंग निकालोगे। सेक्शन को करने के बाद स्टेप सेकंड होगा आपको ऑयल की एप्लीकेशन। ऑयल की एप्लीकेशन जब आप कर लोगे उसके बाद आपको हेड मसाज करना स्टार्ट करना है। हेड मसाज आप जब आप कर लोगे उसके बाद आपको स्टीम देना है।
स्टीम दोगे आप 5 मिनट के लिए, ठीक है। स्टीम देने के बाद आपको यहां पर स्टेप 5 होगा आपका, वेट करना आपको 30 मिनट का। 30 मिनट से पहले आपको यहाँ पर वॉश नहीं करना है, तो 30 मिनट का वेट करना है। तो 30 मिनट जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर शैम्पू और कंडीशनर करना है। ठीक है, तो हेड मसाज करने पहले क्या करना, आपको सेक्शनिंग निकालना है। मैंने आपको बोला ना कि सबकी सेक्शनिंग होती है, हेड मसाज करोगे उसकी भी आपको सेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन निकालते टाइम आपका जो टैंगल अगर हो रहा है तो उसको आप टैंगल फ्री करो, ठीक है, टैंगल नहीं होना चाहिए। और सेकंड स्टेप होगा आपका ऑयल की एप्लीकेशन। ऑयल की एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर उसके बाद हेड मसाज स्टार्ट करना है, स्टीम जरूर देना है। स्टीम आपका 5 मिनट रहेगा, फिर वेट करना है 30 मिनट का, ठीक है। और वेट करने के बाद फिर आपको शैम्पू और कंडीशनर आपको यूज करना है। तो हम मसाज को स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बेस ऑयल क्या होता है? बेस ऑयल बेसिक से जो ऑयल होते हैं ना, जो आपका कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये आपका नॉर्मल से ऑयल होते हैं जो आप सभी को पता ही होता है, ठीक है। तो वही ऑयल होते हैं बेस ऑयल। पचास ml बहुत ज्यादा होता है, आप एक एक बार में 50 ml थोड़ा यूज करोगे ऑयल का। हाँ बिल्कुल, आपको ज्यादातर, हाँ आपका फेशियल में ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। देखिए कभी भी आपको आप किसी का हेड मसाज कर रहे हो, हेड मसाज में इतना पैसा थोड़े देता है आपको कोई क्लाइंट की, आप उसमें मशीनें यूज करें, हाई फ्रिक्वेंसी यूज करें, उसको हम लेके जाएंगे ट्रीटमेंट्स के अंदर। अगर आप वही चीज कह रहे हो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे हम ले लेते हैं कलर में ले लेता हूं मैं, जैसे हमारा जो बलियाज टेक्निक होता है, बहुत सारे बलियाज टेक्निक है। एक होता है कि मैं 4 सेक्शन में, मतलब मैंने 4 सेक्शनिंग करा, फटाफट मैंने एप्लीकेशन कर दिया, वो तो हमारा बेसिक सा सेक्शन हो गया। और उसमें रिजल्ट भी क्लाइंट को बेसिक ही मिलेगा, ना मनी पीस मिलेगा, ना उनको थोड़ा 2 कलर ऐड मिलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बलियाज टेक्निक करता हूँ बहुत सारे सेक्शन के साथ, 4-5 कलर लेके मैं कर रहा हूँ, तो वहां पर क्लाइंट को और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्लाइंट को दिखेगा भी कि हाँ उनका वो, उन्होंने 3-4 हजार खर्च करा है तो उनको क्या मिल रहा है, और मैं यहाँ पर 8 हजार खर्च कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है। ऐसे आपको हेड मसाज में और हेयर स्पा में फर्क दिखाना है। अब प्राइस भी तो वहां पर डबल ले रहे हो ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको पहले एप्लीकेशन करना सिखा रहा हूं, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। तो कभी भी आपको हेड मसाज स्टार्ट करना होता है तो देखो हर एक चीज में पहले आपको हेयर को एनालाइज करना है, ठीक है। आपको क्लाइंट से अच्छे से बात करनी है, ठीक है, कंसल्टेशन करनी है, उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना है। कोई भी सर्विस होती है तो उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको करना ही करना, ठीक है। फिर आपको
ऐसा नहीं कि आपने आए और डायरेक्ट आपने सेक्शन निकालना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें आपको यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर हल्का सा आपको हाथ मारना है, हाथ करना है, आपको एक तरीके से स्कैल्प को बताना है कि हम इस पे कोई वर्क कर रहे हैं, करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले हाथों के साथ ही टैंगल फ्री करोगे, टावल आपको लगाना है, बिना टावल के आपको सर्विस नहीं करनी है, और यहाँ पर कटिंग शीट नहीं यूज करना है, ठीक है। सिर्फ आप पर रहेगा यहाँ पर टावल, तो कटिंग शीट आप कभी भी यूज नहीं करोगे। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, पहले आपको एक बेसिक से सेक्शन आपको बनाना है, जो हमारा फोर सेक्शनिंग होता है, फोर सेक्शनिंग को आप बनाओगे। यहाँ पर आपको कभी भी सेक्शन क्लिप भी यूज नहीं करना है, क्योंकि हेड मसाज जो होता है वो रिलैक्सिंग सर्विस होती है, इसमें आप सेक्शन क्लिप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। ट्विस्ट करोगे और यहाँ पर आगे फ्रंट में शोल्डर के आगे इसको छोड़ दोगे। और दूसरा, आपको हेड ऑलिंग कभी भी करना होता है तो आप कभी भी फ्रंट से ऑलिंग नहीं करोगे। अगर आपने फ्रंट से ऑलिंग करा, इतना आप बैक साइड एप्लीकेशन करोगे, इतना क्या होगा, वो फ्रंट में जो आपने ऑलिंग करा है वो फोर हेड पे ऐसे आएगा, नीचे टपकेगा। तो इसलिए आप कभी भी एप्लीकेशन करोगे बैक साइड से स्टार्ट करना है, फ्रंट से आपको कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। और एप्लीकेशन इतनी फास्ट करना है कि 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन खत्म कर देनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक इजी वे बता रहा हूं कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। जैसे आपने सेक्शन को डिवाइड किया, किसी का बहुत फाइन हेयर होता है, पतला हेयर होता है, तो आप यहां पर एक ही रखोगे तो चलेगा, ठीक है, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा है तो आप इसको हाफ कर लो, ठीक है। तो मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको सिंगल ही रहने दूंगा। और दूसरा, आपका जो ऑयल होगा, जैसे मैं यहां पर अभी फिलहाल ये पानी है, तो यहां पर जब आप ऑयल लगाओगे ऐसे, आपको कॉटन जो होता है उसको आपको ऑयल के अंदर डायरेक्ट नहीं डालना है। अगर आप ऑयल के अंदर जा रहा ऐसी डायरेक्ट डालोगे तो आपका जो जो कॉटन होगी ना, वो आधा तो ऐसी सोख लेगा आपका ऑयल। तो आप क्या करोगे, इसको पहले आप गीला करोगे, गीला भी इतना नहीं करोगे कि आपका इसी में पानी भी मिक्स हो जाए। गीला करने के बाद आप इसको पानी जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकालोगे अलग, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑयल के अंदर डालना है कॉटन को, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मेरा इतना सारा तो पानी नहीं रख लिया, ठीक है। तो इसलिए आपने जैसे गीला करा, गीला करने के बाद ऐसे उसको निकाल देना है, फिर उसके बाद आपको ऑयल के अंदर डालना है। जो आपको कॉम यूज करना है, आपको टेल कॉम यूज करना है, टेल पिन कॉम यूज नहीं करना है। बैक साइड से आपको स्टार्ट करना है, सेक्शनिंग आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, ज्यादा बड़ा भी सेक्शन नहीं लेना है, ज्यादा छोटा भी सेक्शन नहीं लेना है, ठीक है। होल्डिंग आपका रहेगा ऐसे, इस टाइप से आपको होल्ड करना है, ठीक है। ऐसे होल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो वाला ऐसे नहीं करना, जैसे आपने सेक्शन को निकाला उसके बाद आपने ऑयल लिया और ऐसे लगाया, ठीक है। अभी फिलहाल ही ज्यादा है कि पानी इसके अंदर, तो ये लगाया आपने, उसके बाद आपने कॉटन को दोबारा रखा, फिर दोबारा सेक्शन निकाला, तो ये इसमें आपका टाइम जो होगा बहुत ज्यादा खराब होगा। तो आपको कैसे करना है, आपको ऐसे होल्ड करना है, ऐसे नहीं होल्ड करना, पूरे मुट्ठी में होल्ड करना है, सेक्शन को निकाला, ठीक है। उसके बाद जो आपका ऑयल होगा उस कॉटन से
ऑयल इतना लगाना जितना ग्लैंड को चाहिए, ठीक है? इसको आपने लगाया, ऐसे में लगाना, प्यार प्यार से हैंड मसाज कर दो आप, ठीक है? आप आराम से ऐसे लगा सकते हो। फिर दोबारा से आपको क्या करना है, सेक्शन निकाला, अगर आपको लगता है कि ऑयल है इसमें तो ऐसे लगा दो, वरना आप बाउल से यहां से ऑयल को लो। फिर दोबारा से आपको सेक्शन को निकालना है, दोबारा ऑयल की एप्लीकेशन करना है। फिर दोबारा आपको ऐसे ही सेक्शन को निकालो और फटाफट एप्लीकेशन करो। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, ठीक है? जब आप एक सिंगल काम करोगे, किसी को सिखाओगे नहीं, तो आपका और भी ज्यादा जल्दी होएगा। तो 5 मिनट भी मैंने ज्यादा बोला है, उससे भी कम में 2 मिनट के अंदर अंदर आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। जब तक आपका 2 मिनट ना आए, रिपीट पानी के साथ ही एप्लीकेशन करना स्टार्ट करो। जब तक 2 मिनट नहीं आएगा, तब तक आपको अपना प्रैक्टिस करना छोड़ना नहीं है। जब आप फ्रंट से करते हो तो आपका जो हेड होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? यहां भी सेम, आपको सेक्शन को निकाला, थोड़ा आप उस साइड कर सकते हो। ऑयल आपको इतना भी नहीं लेना कि वो नीचे टपके, ठीक है? जैसे ये पानी है फिलहाल, तो आपको ऑयल इतना ज्यादा नहीं लेना है कि वो फोर हेड के आगे आया इस टाइप से। तो आपको खुद पता है कितना ऑयल लगाना है, ठीक है? मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, तो उतना आपको यहाँ पर ऑयल यूज करना है। सेम आपका वहां भी ऐसे ही एप्लीकेशन रहेगा। तो इसका एप्लीकेशन कैसे रहता है, ऑयल हमेशा किस चीज के लिए होता है, स्कैल्प के लिए। स्कैल्प के लिए ऑयल बनाया हुआ है, स्कैल्प पे ही यूज करना है। अगर आपको लैंप पे यूज करना है तो आप हल्का फुल्का यूज कर सकते हो, ठीक है? पर ऐसा नहीं यूज करना है कि एप्लीकेशन कर रहे हो, उसकी एप्लीकेशन वाला नहीं करना है। तो आप ऑयलिंग करना है तो आप हल्का सा ऑयल लेके, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, थोड़ा सा लिया, और उसके बाद आपको ऐसे ही नॉर्मल ऐसे सीरम अप्लाई करते हो, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है? तो एप्लीकेशन में किसी को भी डाउट नहीं है, हेड मसाज स्टार्ट करें। तो जब हम एप्लीकेशन कर लेंगे, उसके बाद अभी आपने क्या करा है, ऑयल को लगाया है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक इसको क्या करना है, अच्छे से फुलाना है, ठीक है? रफलिंग हो गया मसाज, मतलब जो स्टेप होता है रफलिंग, एफ्रो राज, ठीक है? ये सारा चीजें स्टेप करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसमें आपको एक एक चीज क्लियर होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें आपका कैसे मेरा हाथ चल रहा है, वो सारी चीजें क्लियर होता रहेगा। तो फर्स्ट आपका, आपने ऑयल लगाया, उसको अच्छे से रफ करो, ठीक है? पहले जो ऑयल लगाया है उसको पूरे स्कैल्प पे फैलना चाहिए, स्कैल्प पे पूरा लगना चाहिए। तो उसके बाद आपका जो स्कैल्प है वो आपका स्टार्ट होगा। क्लाइंट का हेड रहेगा ऐसे, आपको क्लाइंट के हेड को नीचे करना है, ठीक है? कभी भी आपको स्कैल्प पे ऐसे हाथ नहीं रखना है, मतलब एक वजन नहीं देना है, ठीक है? वजन दोगे तो क्लाइंट थक जाएगा, क्लाइंट को रिलैक्स देना है, थकाना नहीं है। तो आपको फोर हेड से ऐसे होल्ड करना है इस टाइप से, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा हमेशा एफ्रो राज। एफ्रोराज क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने स्कैल्प पे थोड़ा सा, आपका जो फिंगर होना चाहिए ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा आप इसको हल्का फैला के
इसको आपको ठीक है एक ना ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, जैसे होता है ना पूरा रगड़ना, सिर्फ ये वाला नहीं करना है इसको। कभी भी हम करते ना जैसे हमने स्किन को दबाया यहीं से राव, फिर हम आगे चले गए दबाया यहीं से राव, वो चीज नहीं करना है। जैसे आप स्लिप कर कर कैसे तो बाल फटेगा ठीक है। ये स्टेप हमेशा कैसे होता है, इसको प्रेस किया राउंड, हल्का सा आगे गए प्रेस किया राउंड, प्रेस किया राउंड ठीक है। तो पूरे हेड पे आपका ऐसे रहेगा। तो मैं जैसे अब पूरा एक ही बार में एरिया तो नहीं ले सकता मैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर दो बारी में करना पड़े, पहले इधर फिर इधर। अगर किसी का हेड बहुत बड़ा है तो यहाँ पर आप एक दो तीन ठीक है, तो ऐसे करना है। और हर एक स्टेप को आपको यहाँ पर तीन बार रिपीट करना है। और स्टार्टिंग में आप ज्यादा प्रेशर मत दो, फर्स्ट स्टेप आपका जो रहेगा मतलब आपका जो पहला रहेगा वो आपको बिना प्रेशर के साथ करना है, उसको आप दबाओगे नहीं ज्यादा ठीक है, क्योंकि एकदम से आपको प्रेशर नहीं देना होता है। तो यहाँ पर आप पहले क्या करोगे, हल्का बिना प्रेशर के साथ आप हल्का हल्का यहाँ पर, अभी फिलहाल ये दब नहीं रहा, आपको हल्का सा दबा के हल्का इस स्टेप से राउंड करना है ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था प्रेस करना है राउंड। तो आपने एक चीज साइड से किया, उसके बाद जैसे मैंने यहां पर आपको यहां पर हाथ नहीं रखना, फोर हेड पे रखना है, सिर्फ आपको जो हेड है वो आगे ना जाए इसलिए सिर्फ आपको यहां पर रोक के रखना है इसको ठीक है। इधर से किया, उसके बाद आपको यहां से करना है। यहां से करने के लिए आपका ये मूवमेंट जो होगा वो चेंज होएगा ठीक है, वही चीज रहेगा यहां भी। तो एफ्रो राज कैसे करते हैं, चीज क्लियर हुआ एफ्रो राज, प्रेस राउंड फिर आगे बढ़ना है, प्रेस किया राउंड फिर आगे बढ़ना है, प्रेस किया राउंड, प्रेस किया राउंड फिर आगे, प्रेस किया राउंड फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है, प्रेस करते करते इसको राउंड करना है। तो एफ्रो राज क्लियर है सभी को, बिल्कुल होली खेली थी आज। हाँ मैं स्टेप के नाम बोलता रहूंगा ठीक है साथ के साथ। तो ये हमारा जो स्टेप था एफ्रो राज, आप इसको ना एक स्टेप लिखो विदाउट प्रेशर, दूसरा स्टेप लिखोगे विद प्रेशर, तीसरा स्टेप भी विद प्रेशर, मतलब आपको हर एक स्टेप को तीन बार करना है। तो एफ्रो राज आइए एक स्टेप बिना प्रेशर के और दो स्टेप प्रेशर के साथ। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा एफ्रो राज, ठीक है। तो आगे हमारा रहेगा फिर जैसे हम रफलिंग करेंगे, रफलिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको स्किन को ना पुल करना है। जैसे मैंने यहां ये चीज किया, इसको मैं हल्का सा स्किन को भी, ऐसा नहीं कि आप चुंटी की तरह मारो ऐसे नहीं, स्किन को आपको पुल करना है। तो ये चीज आपका रहेगा यहां पर, एक रफलिंग ऐसे भी होता है, आपने ये चीज किया स्टेप के नाम भी लिखो। एक काम करूंगा मैं आपको ना एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें स्टेप का नाम भी होगा ठीक है, तो मैं पीछे इतने सारे स्टेप का नाम नहीं लिख सकता। तो फिलहाल आप यहाँ पर समझो स्टेप भी याद जब करना, जब आपको किसी को पढ़ाना होगा ना, तो उसके लिए मैं आप एक वीडियो आपको शेयर करूंगा, तो उस वीडियो के अंदर आपको देखना है कि क्या उसका स्टेप है। फिलहाल आपको समझना है फर्स्ट आपका एफ्रो राज रहेगा, एफ्रो राज करने के बाद, अब ऐसा भी फिक्स नहीं है कि आपको फर्स्ट स्टेप एफ्रो राज ही करना है, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ आगे पीछे आप कर सकते हो ठीक है। तो आपका ये रफलिंग रहेगा, तो उसके बाद एक्यूप्रेशर ऑन टॉप एरिया पे, टॉप एरिया पे जो आपका ये पॉइंट रहता है टॉप वाला ठीक है, ये पूरा
इसको फ्रंट ही मान लेते हैं, एक्यूप्रेशर ऑन फ्रंट आपका रहेगा। इस पे आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आपने दिखाने के लिए मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेशर दिया, फिर आप आगे आए, फिर प्रेशर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको ऐसे प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ आना है। ज्यादा जो पेन होता है क्लाइंट को, जो सिर दर्द होता है वो कहाँ होता है, सभी को, है ना। तो यहाँ यहीं पर ही होता है, सिर दर्द का जो पॉइंट है वो यहीं पर ही रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर तो बिल्कुल एक समझो कि यहाँ पर तो आपको मसाज तो जरूर करना है, और यहाँ पर मसाज इतना तेज भी नहीं कर सकते कि क्लाइंट को दर्द ना हो तो फिर भी हो जाए। तो यहाँ पर आपको मसाज करना है, ये मेन पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा जितना क्लाइंट सहन कर सकता है प्रेशर को, उतना प्रेशर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको आना है, एक स्टेप हुआ ऐसे, ईयर के आप साइड से क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो एक स्टेप होने के बाद दोबारा से आपको रिपीट, तो एक्यूप्रेशर ऑन फ्रंट को आपको इसी टाइप से करना है। तो सभी स्टेप को 3 बार जब आपका ये 3 बार हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एक्यूप्रेशर हेयर लाइन, जो आपका ये हेयर वाली लाइन होता ना है, तो पूरा साइड से वो पूरा होता है, तो उसको आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको प्रेस प्रेस करना है, फिर नीचे आना है, ठीक है, साइड के एरिए को, ठीक है, साइड के एरिए को प्रेस करना है। जब आपका ये हो जाएगा, जब यहां पर पहुंच जाओगे, उसके बाद आपका थंब रहेगा, क्योंकि आप फिंगर से नहीं कर पाओगे यहां पर, तो यहां पर आपका थंब आएगा, नीचे आओगे, क्लाइंट के हेड को थोड़ा नीचे करोगे, ठीक है, साइड के एरिए को आपको करना है। जब आपका साइड का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको यहां पर फ्रंट जाना है, ठीक है। फ्रंट कैसे जा रहा हूं मैं, देखो ये मैंने थंब रखा, उसके बाद आगे, फिर इधर, ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आगे ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। जितना आपसे जाएगा, हो सकता है आपसे इतना ही जाए, इससे आगे आपका हाथ न चले, तो उसके बाद आप ऐसे आके यहां पर आप चेंज करोगे दोबारा से। तो यहां पर आपको जो मसाज करना है, फिर दोबारा से आपको ऐसे ही 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। तो जिन्होंने मिस कर दिया होगा, अभी ज्वाइन हुए हो, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना। तो हेयर लाइन वाला जो एरिया है ना, इस पे भी आपको प्रेशर देना है। ये सारे मैं अभी जो भी बता रहा हूँ, सारे प्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ। तो ये जो मेन है, ये भी आपका प्रेशर पॉइंट रहेगा, ठीक है। फ्रंट वाला प्रेशर पॉइंट रहेगा, चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, बस आपका ये प्रेशर पॉइंट रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आपका ये और भी जल्दी होएगा। तो जैसा आपको करना है करो, लेकिन आपका फ्रंट में प्रेशर पॉइंट रहना चाहिए। सबका अपना तरीका होता है, जो आपको इजी लगता है वो आप करो। तो क्लियर है सभी को? हेयर वाली डमी पे मैं करूंगा ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी, मेरा हाथ ही नहीं दिखेगा उसमें कैसे चल रहा है। चलिए, उसके बाद हम फ्रंट, और मैंने आपको क्या बोला था, हमारा जो पेन होता है ज्यादातर ये जो लाइन है, ठीक है, जो प्राइटल रिज वाला एरिया होता है ना, जो आपका ये टेम्पल एरिया के पास ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर आपको ज्यादा पेन होता है। तो अब आपको क्या करना है, यहीं से थंब, ठीक है, दबाया, उसके बाद आगे गए, ठीक है, ऐसे ही आपको आगे जाना है,
पीछे जो क्राउन वाला एरिया है इसको भी प्रेस करते करते, मतलब मैं राउंड घूम रहा हूं ऐसे, ठीक है? तो ऐसे आपको प्रेस करते करते अपने बॉडी में मूव करना है, वहीं पर खड़े होके नहीं होगा ये, आपको राउंड घूमना पड़ेगा। तो इधर आना है आपको, फिर यहीं से आपको वापिस जाना है। तो यहीं से आप वापिस जाओगे तो ऐसे ऐसे करते करते आपको ये भी 3 बार करना है। पूरे प्रेशर के साथ आपको इधर जाना है, फिर प्रेशर के साथ ही इधर आना है। तो ये भी आपका एक्यूप्रेशर रहेगा, ठीक है? तो हमने कौन कौन से प्रेशर को क्लियर किया? एक तो फ्रंट को, दूसरा हमारा हेयर लाइन को, ये पूरा हेयर लाइन को क्लियर किया। उसके बाद जो हमारा, मैंने कहा था इस पे हमारा ज्यादा पेन रहता है तो इस पे हम थोड़ा सा और ज्यादा फोकस रखेंगे। तो एक मैंने स्टेप आपको ये भी बताया, ठीक है? तो ये चीज हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद जो आपका क्राउन एरिया होता है, जो ऊपर का एरिया होता है, यहाँ भी जो मैंने आपको बताया ना, इसे कॉम्ब आपका ये बिल्कुल सीधा रहता है जहां, ठीक है? इस एरिया पे भी आपको क्या करना है, प्रेशर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रेशर देने के लिए आपको, जैसे मैं अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा, सिंपल से ऐसे दबा दूंगा, ठीक है, तो वो ज्यादा सही रहेगा, या फिर मैं ऐसे आपको लेके आ रहा हूं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ऐसे प्रेस कर रहा हूं, मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूं, जो मेरी सेंटर वाली फिंगर है इसको आपस में ऐसे दबा रहा हूं, ठीक है? तो आपका जो इस तरीके से हैंड मसाज करो कि प्रोफेशनल लगे। फिर दोबारा से आपको ये चीज 3 बार करना है, हर एक स्टेप को 3 बार करना है। कौन सा पॉइंट दबा रहा हूं, जो टॉप वाला पॉइंट है इसको आपको प्रेस करना है, ठीक है? तो एक्यूप्रेशर ऑन क्राउन वाला, ठीक है, एरिया था जो, वो हमने क्लियर करा है। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है? कोई डाउट हो तो मुझसे चैट बॉक्स के अंदर पूछते रहना। तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद जो हमारा पॉइंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा ऑसिपिटल वाला। ऑसिपिटल जो मैंने बताया था आपको, ये वाला पॉइंट आपको इसको भी प्रेस करना है। तो इसको अगर आप डायरेक्ट ऐसे प्रेस करोगे तो ज्यादा सही नहीं लगेगा। तो इसको प्रेस करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आप फ्रंट से प्रेस करते हुए आए, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहां पर आओगे, अपने थंब को यहां पर रखोगे और अपनी चेयर को नहीं घुमाना, अपने बॉडी की अपनी जो पोजीशन है आपकी वो चेंज करनी है, और आप यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाओगे और उसके बाद आपको फ्रंट हाथ रख के इसको प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर राउंड घुमाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टच रखा और राउंड घुमा रहा, नहीं, प्रेस करके रखो और उसके बाद आपको यहाँ पर राउंड, ठीक है? ऑसिपिटल बोन को आपको प्रेस कैसे करना है, दोबारा रिपीट कर रहा है, एक बार आप फ्रंट से भी देखो इसको। यहां पर मेरा फ्रंट से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है? फ्रंट से जाते जाते मैं बैक साइड अपनी पोजीशन चेंज करूंगा। रुकना नहीं है, जब आप पोजीशन चेंज करते हो आपका ये हाथ चलता रहे, ठीक है? ऑसिपिटल बोन पे आऊंगा और उसके बाद इसको प्रेस करके राउंड, ठीक है? 3 बार आपको यहां पर करना है, 3 बार आपको वापिस उल्टा, एक बार आपने ऐसे राउंड घुमाना है, फिर उसके बाद ऐसे राउंड घुमाना है, ठीक है? 1 2 3, फिर 1 2 3। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको प्रेस करना है। तो ऑसिपिटल बोन भी हमारा मेन होता है जो क्लाइंट को रिलैक्स देगा बॉडी को। फिर उसके बाद यहीं पर ही अपना टच करके देखना है यहाँ पर, और वापिस फिर इसी के ही नीचे की तरफ और साइड में अपना खुद अपना हाथ जो होगा ना वो आपको खुद बैठ जाएगा। यहाँ पर एक तो ऑसिपिटल बोन होगा, उसकी हड्डी सी होती है वो होगी, और उसके नीचे वाला जो पॉइंट होगा आपका हाथ जो होगा वो खुद से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है? देखना है अपनी अपनी जो फिंगर आप यहाँ पर लगाओगे, मैं ये बोलूंगा आपने जितना खुद मसाज कराओगे ना
उतना आपको पता चलेगा कि आपको कितना रिलैक्स मिल रहा है, कौन से स्टेप से रिलैक्स मिल रहा है। इसलिए आप ना इस स्टेप को कभी भी आप क्लाइंट पे अपने मॉडल पे कभी भी करोगे, मतलब आप एकदम से क्लाइंट पे तो नहीं करो, आप अपने मॉडल के ऊपर करो, ठीक है, किसी के भी ऊपर करो। और कोई भी स्टेप करो ना, उनको पहले ही बोलना जो आपको स्टेप बहुत अच्छा लगेगा ना, जिसमें ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, वो स्टेप मुझे बता देना, मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगी। तो किसी के हाथों में ऑसिपिटल बॉन्ड से रिलैक्स नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी के हाथों से ऑसिपिटल बॉन्ड से रिलैक्स मिल जाए। अगर रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो अपनी पोजिशन चेंज करो, हो सकता है कि आप प्रेस नहीं ज्यादा अच्छे से कर रहे, ठीक है। तो रिलैक्स मिल रहा है तब आप वही स्टेप आपका फाइनल रखो, अगर रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो उसको और भी अच्छा बेटर करो। जब तक आपको आपका उस स्टेप से रिलैक्स नहीं मिल रहा है, क्लाइंट को मजा नहीं आ रहा है, तो वो चीज आप बार बार मत करना, ठीक है। तो हमारा नए पेरी आता है, नए पेरी को भी आपको सेम ऐसे ही करना है। जब आप फ्रंट में जाओगे तो यहां पर थंब और फिंगर दोनों को रखना है, और यहां भी ऐसे ही राउंड, ठीक है, जैसे हमने ऑसिपिटल बोन को प्रेस किया था ऐसे हमें इसको भी प्रेस करना है। फिर दोबारा से सेम ऐसे ही आना है, और उसके बाद नए पेरिए को आपको ऐसे ही प्रेस करना है। तो ये जितने भी मैंने बताया है आपको, ये हमारे प्रेशर पॉइंट थे। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा दूसरा मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। टेपिंग एंड डिपोर्टमेंट, तो उसके लिए आपको यहां पर जैसे होता ना वो नाई की दुकान पर ऐसे करते थे, तो वो वाला तो नहीं करना, इसको थोड़ा सा हम करेंगे तो ऐसे ही, पर थोड़ा प्रोफेशनल वे में करेंगे। आपको अपने हाथों को स्कैल्प से थोड़ा सा दूर रखना है, देखो इतना, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, इतना दूर रखना है, आपके स्कैल्प पे नहीं मारना, अपने हाथों के ऊपर टर्न मारना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसी टाइप से थोड़ा दूर आपको रखना है, इसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं हल्का सा दूर रख रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप प्रेस करोगे, तो ये आप कर सकते हो, आपको ये नहीं करना, ये वाला, ठीक है, बॉयज में कर सकते हो, गर्ल्स में ये चीज नहीं करना है। तो टेपिंग एंड डिपॉइंटमेंट आपको ऐसे करना होता है, ठीक है, ये भी पूरे हेड पे रहता है, और ये मैं यही बोलूंगा इसको लास्ट में करना, वरना क्लाइंट को नींद आ रही होगी वो भी उठ जाएगा। तो इसको आप लास्ट में क्या करो, जैसे इस टाइप के कोई स्टेप होता है उसको आप लास्ट में करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। टाइमिंग कितनी रहेगी, टाइमिंग आपका रहेगा हेड मसाज का बता रहा हूँ, लास्ट 25 मिनट, 20 से 25 मिनट आपका लास्ट रहेगा, इससे ज्यादा आपको मसाज नहीं करना है। लेकिन मैं स्टेप आपको इतने बताने वाला हूँ, आप उसमें से कुछ स्टेप को अपना फाइनल कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपके खुद के भी स्टेप हो जो आपका फेवरेट हो, तो आप इनमें से भी कुछ स्टेप को अपना फाइनल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्विस्टिंग। तो आप पैंट के एयर को यहां पर ऐसे क्या करना है, ट्विस्ट करना है और हल्का सा ऐसे खींचना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा आपको खींचना है। ऐसे आपको हर एक पालों को इसी टाइप से छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, उसको ऐसे ट्विस्ट करते हुए हल्का सा खींचना है, ठीक है। और लास्ट में आप एक बार ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हेयर लिया, इसको राउंड एक बार, ज्यादा बार नहीं, एक बार इसको हल्का सा खींचना है। फिर दोबारा से सेक्शन को लिया, इसको राउंड
ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये पूरे हेड पे करना है, इसको आप एक ही बार करो, ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपको लगता ना कि एक ही पॉइंट बहुत देर में हो रहा है तो आप उसको एक बार ही कर सकते हो। दूसरी बार जब करोगे आप पूरे हेयर को लो, ठीक है, उसके बाद पूरे हेयर को लेने के बाद थोड़ा आप इसको खुद से कर सकते हो, या फिर जैसे पॉनी ट्विस्टिंग होता है ना, पूरे हेड को लिया, पूरे मतलब हेयर को लिया और उसके बाद आपको इस टाइप से भी कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है, सारे हेयर एक ही बार में खींच रहा है, ज्यादा तेज नहीं करना है, ठीक है, नॉर्मल हल्का हल्का आपको। तो ट्विस्टिंग आप करोगे, यहाँ पर मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आपको करने ही करनी चीजें होती है, ठीक है। ट्विस्टिंग हो गया जैसे आपका, तो ट्विस्टिंग आपने किया, ट्विस्टिंग के बाद आपको और कोई स्टेप ऐड करोगे, जैसे आपका वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। वाइब्रेशन के लिए आप यहां पर अपने इस पूरे हाथों को ना आपको थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा, ठीक है। आप टाइट रखोगे तब भी आपका ये वाइब्रेट होएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर हाथों के साथ भी आप वाइब्रेट कर सकते हो, इसकी एक मशीन भी आती है वाइब्रेशन वाली, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा वाइब्रेशन करने में, ठीक है। तो वाइब्रेशन आप हाथों के साथ भी कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका ये भी है, बिल्कुल बैक की तरफ जाना है, हाथों को स्ट्रेट रखना है और उसके बाद अपने हाथों को ना बस कंपाना है, ठीक है, ये चीज करना है। तो वाइब्रेशन आपको करना है, चाहे मशीन के साथ करो, चाहे हाथों के साथ करो, जैसा भी करो चलेगा, पर लेकिन वाइब्रेशन होना चाहिए, ठीक है। हाथों के साथ करोगे तो भी चलेगा, अगर आप मशीन के साथ कर रहे हो तो और ज्यादा अच्छा होगा कि क्लाइंट को भी लगेगा कि हाँ कुछ अलग भी किया है, ठीक है। तो एक मशीन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन वाइब्रेशन वाली सिर्फ। हाँ बिल्कुल, आप बैक मसाज, ईयर, ये थोड़ा बहुत भी रहता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, हेड का आपने किया पूरा मसाज। हेड का मसाज करने के बाद आप बीच बीच में जो एफ्रो राज था ना, उसको भी आप रिपीट कर सकते हो, एफ्रो राज को, आप तो रफलिंग को, इसको भी आप बार बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज को। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा फोरहेड। फोरहेड को एक को अपना अपनी जो आपकी जो बॉडी होती है वो क्लाइंट से टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। फिर आपका जो फोरहेड है इसकी आपको करना है, फोरहेड की मसाज करने के लिए पहले आपका जो रहेगा टेम्पल एरिया रहेगा, प्रेस करना है टेम्पल एरिया पे आना है इसको राउंड, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से आपको तीन बार आपको ऐसे घुमाना है, तीन बार आपको इस टाइप से घुमाना है, ठीक है। प्रेस करते हुए, रफ नहीं करना इसको, प्रेस करने के बाद तीन बार यहाँ, तीन बार यहाँ, ठीक है। फिर दोबारा से रिपीट, प्रेस करते हुए नीचे आओ, उसके बाद राउंड, फिर दोबारा से बैक की तरफ पी रहा हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद वाइपर स्ट्रोक रहेगा हमारा। वाइपर स्ट्रोक के लिए आपको क्या करना है, जैसे इधर जाओगे प्रेस करते, ठीक है, प्रेस करते आप इधर जाओगे अपनी बॉडी चेंज करनी है, फिर आप यहां से मतलब पोजीशन अपने चेंज करते रह करो, प्रेस करते आप यहां पर जाओगे, ठीक है। तो ये भी आपको तीन बार करना है, प्रेस कर दो इधर, यहाँ पर आप ऑयल यूज नहीं करोगे, यहाँ पर आप कर सकते हो तो मॉइस्चराइजर यूज करोगे, लेकिन आपको यहाँ पर ऑयल यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इस स्टेप से आपको यहाँ पर दो स्टेप बता दिया मैंने, एक आपका टेम्पल एरिया रहेगा, दूसरा आपका वाइपर स्ट्रोक रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर स्टेप कर सकते हो, जैसे आपका ये नोज एंड नोज के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना, ये आइस के पास वाला है,
तो ये भी आप इसको प्रेस कर सकते हो, इसके भी आप करके देखना, तो इससे भी रिलैक्स मिलता है। आईब्रो, आईब्रो ही पकड़ना। तो यहाँ पर आपको इसी टाइप से इसको प्रेस करना, जो आपके आईब्रो होते हैं ना, इसको ऐसे सिर्फ दबाना है, ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा रिलैक्स ना एक यहां से भी मिलता है, जो ईयर है यहां से आप क्रॉस करोगे ना, ईयर के यहां से ऐसे क्रॉस, जब आप ऊपर आते हो तो प्रेस करते हो ऊपर आना है, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे राउंड घुमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला ना रिलैक्स ज्यादा अच्छे से मिलता है। फिर दोबारा से ये तो आप बार बार रिपीट करो, इससे बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है। फिर जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फोर हेड भी हेड भी, उसके बाद आपको यहां पर सेक्शन क्लिप लगाना है। सेक्शन क्लिप लगाने के बाद अब आपको यहां पर नेक की मसाज करना है। तो नेक की मसाज करने के लिए पहले आपका रहेगा यहां भी आपको क्या करना है, एस्ट्रोराज सेम वही चीज, ठीक है। एक बार आपने यहां करना है, दूसरी बार आपको यहां करना है पूरा आपको ये भी, ठीक है। उसके बाद आपका जैसा आपका ये थंब है, ठीक है, थंब पहले आपको ऊपर लेके जाना है प्रेशर के साथ, ठीक है। इसको भी हम वाइपर स्ट्रोक कह सकते हैं। उसी को ही आप नीचे लाके ऊपर, जब आपका थंब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, ठीक है। तो एक ऊपर दूसरा नीचे, ऊपर दूसरा वाला नीचे, तो आपको यहां तक जाने ही जाना, ठीक है, ईयर के पास तक, इस पॉइंट तक आपको जाना है ऐसे प्रेस करते, ठीक है। तो आपको यहां पर नेक का जो आपका नेक होती है इसको भी आपको मसाज करना है अपनी तरीके से। आप कोई भी पॉइंट कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड करो। मैंने आपको अभी बोल रहा हूँ बहुत सारे स्टेप बताऊंगा, लेकिन आप उसको खुद से भी आप अपने स्टेप बना के, जो आपके मॉडल को ना, जो आपने अभी ट्राई कर रहे हो, जो उनको अच्छा लग रहा है स्टेप, वो अपना अपना फाइनल कर लेना, ठीक है। तो हमारा नेक का जो नेक का होता है मसाज, उसको भी आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर एफ्रोराज कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर वाइपर स्ट्रोक कर सकते हो, ठीक है। और बाकी शोल्डर रहता है, शोल्डर का आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। शोल्डर का मैं बताऊं तो यहाँ पर शोल्डर के पास एक पॉइंट रहता है, ठीक है, उस पॉइंट को आप प्रेस कर सकते हो। और शोल्डर का जो ये एरिया होता है ना, कैसे बताऊं मैं, जब मैं आप मॉडल के ऊपर करूंगा ना कभी, तो मतलब उसकी उसमें करूंगा तो आपको इसमें थोड़ा बहुत दिखेगा मसाज मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बैक का भी मसाज कर सकते हो, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, वरना बॉडी मसाज ही करवाना छोड़ देंगे आपका, हेड मसाज में उनको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ज्यादा मत करो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है तब आप कर सकते हो, पर ऐसा भी मत करना कि क्लाइंट पहली बार आया और पहली बार में इतने सारे स्टेप कर दिए, पूरी हाथों के भी, नेक के भी, अपना बैक के भी मसाज कर दिए, और दूसरी बार क्लाइंट आया उस टाइम आप बिजी हो तो उस टाइम आपने सिर्फ हेड ऐड कर दी। तो इतना भी मत करना कि दूसरी बार क्लाइंट आए तो उनको बेकार लगे कि हाँ फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा किया था, अब मैं नहीं आऊंगी, दूसरी बार बेकार किया, ठीक है। तो एक अपना फाइनल रखो कि हाँ इतना क्लाइंट पैसे दे रहा तो इतना ही उसको मिलने वाला है। तो हेड मसाज हमारा कंप्लीट हुआ, तो इसमें से कोई भी आपको पॉइंट है वो आप यहाँ पर अपना फाइनल कर सकते हो। और लास्ट में आप इसकी कोई तो जैसे आपका ये बिल्कुल फ्री रहेगा,
ठीक है, हेड को ही अलग अलग ट्रैक्शन में उनको बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे सभी तरफ उनको राइट लेफ्ट, ठीक है, इतना ही जाएगा आगे, तो हर तरफ से आपको आगे पीछे नीचे, ठीक है, हर तरफ उनका मूव करना है हेड को। स्टेप का नेम मैं ना आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, वो वीडियो मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको प्राइवेट कर रखा है क्योंकि मुझे अब ना अपनी पुरानी वीडियो से बहुत बेकार लगने लगी, बाकी भी मैं प्राइवेट करूंगा। तो यहाँ पर ना उसमें मैंने एक एक चीज बताया हुआ आपको, आपका ना एक एक स्टेप का भी नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर हम एक तरीके से टाइम खराब होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक एक स्टेप का नाम आपको देखने को मिलेगा, मैं क्या स्टेप पुल कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको फिलहाल स्टेप सीखना है, पढ़ाना नहीं है। स्टेप का क्या नाम होगा अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख रहे हो तो आप उस वीडियोस को देखना और एक एक स्टेप का नाम लिख लेना, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है, बोल तो रहा हूं मैं, उसमें आपका लिखा भी हुआ है। बिल्कुल नहीं सर जी, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगा, आप उसको देख लेना। और नहीं कल देख पाए तो आप परसों देख लेना, दरसों देख लेना, अब आपके पास टाइम है क्योंकि हमारा डिप्लोमा क्लास का आज ये लास्ट रहेगा, उसके बाद कल से हमारा कलर क्लास स्टार्ट है। ओके, जिसने स्टैक के नाम लिखे है तो ग्रुप के अंदर है, फोटो सेंड कर देना। तो मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, तो किसी का कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। और मैं आपसे मंडे को ना, आपसे संडे को भी क्लास होगा हमारा, मैं आपसे नाम पूछूंगा ऑयल के, ठीक है, तो आपको वो बताना है। स्टेप के नाम तो नहीं पूछूंगा क्योंकि वो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको आपसे ऑयल के नाम जरूर पूछूंगा। तो किसी को कोई डाउट हो तो अपना क्लियर करो, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। हाँ बोलिए। कोई कोई ना बहुत सारा ऑयल लगाते हैं, तो अच्छा रहता है क्या? देखो, अगर बहुत ज्यादा ऑयल लगाते ना वो वेस्ट ही तो है, एक तरीके से अच्छा भी नहीं रहेगा पर एक तरीके से वेस्ट भी है और फेस के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर किसी की स्कैल्प ड्राई है पर लेकिन उनका जो फेस है ऑयली होगा ना तो उनको पिंपल्स भी निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ऑयल लगाओ जितनी स्कैल्प को जरूरत है। सर मैंने आज एक हेयर मसाज किया, डेली करते हो लेकिन इतना सारा ऑयल लगाते ना, मैंने भी लगाया ना तो फिर वो खुद से और लगाते, तो मैं उनको वही आज बोली कि इतना भी ऑयल मत लगा दीजिए आप, कि उसमें बाल भी उनके ना जैसे अजीब से हुए। हाँ, ज्यादा ऑयल नहीं लगाना, और बालों के लिए ऑयल नहीं होता, स्कैल्प के लिए ऑयल होता है। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, स्ट्रेटनिंग और कैरेटिंग करने के बाद ऑयल लगा सकते हैं? हाँ, मैंने आपको बोला कि आपका जो ऑयल होता है वो स्कैल्प के लिए होता है, ठीक है, बालों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर क्लाइंट ने स्मूथनिंग करवा रखा है तो स्मूथनिंग आपका कहाँ पर काम करता है? कॉर्टेक्स लेयर के अंदर जाके काम करता है ना, जो आपकी क्रीम होती है, ठीक है। हाँ। तो वहां पर आप बॉन्ड्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो अगर आपने कोई हर्बल चीजें यूज करी ना, हर्बल चीजें मतलब जैसे आपका ऑयल हो गया, ठीक है, और आपका ये भी चीजें होती है जैसे दही हो गया, ठीक है, कोई अंडा भी लगाते हैं, तो ये जितनी भी चीजें होती है हर्बल चीजें होती है, तो अगर आपने हर्बल चीजें अपने बालों पे लगाया जब आपने बॉन्ड्स ब्रेक किया था ना, तो वो दोबारा से आपका अपनी पोजीशन पे आ सकता है। तो इसलिए हमें ऑयल को मना करते हैं कि क्लाइंट को ऑयल स्कैल्प पे लगाना है, पर लेकिन दो महीने बाद क्लाइंट का जो हेयर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप 2 महीने बाद आप ऑयलिंग करो, पर वो भी हम कब कहते हैं कि स्कैल्प के लिए, अगर आप स्कैल्प पे यूज करोगे सिर्फ उसको, शाफ्ट को ऊपर नहीं लगाना उसको, ठीक है सर। इसमें सर, हाँ बोलिए।
हाँ बोलिए सर, आज लास्ट क्लास है डिप्लोमा की? नहीं, हफ्ते में एक या तीन क्लास होती है ना, तो वीक में जो तीन क्लास है वो हमारे आज हो चुका है। ओके ओके, एक्चुअली थोड़ा सा वो मैं आपकी गाइडलाइंस ले नहीं पाई थी ना इन चीजों की। सर जिनके बारे में पता है सर, ब्लो ड्राइव में आउट कल्स और इन कल्स का देखने मिलेंगे? आउट कल्स इन कल्स वैसे देखो सिलेबस में नहीं है, पर लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जल्दी आपको बताऊंगा, तो मैं वो लाइव ही करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? ओके थैंक यू सर। और सर ये ऑयल लगाने का सही टाइम क्या भी रहता है, वॉश के पहले क्या रात को? देखो अगर आप घर पे ही ऑयलिंग करते हो तो आपका यहाँ पर रात को ही ज्यादा सही रहता है, रात को आप ऑयलिंग करो सुबह वॉश कर लो। लेकिन अगर आप यहाँ पर हो सके तो जैसे आप घर पे ही हो पूरा दिन, ठीक है, तो आपने जैसे ऑयलिंग करा उसके बाद आधे घंटे बाद वॉश कर लो, ठीक है, तो आधे घंटे बाद वॉश कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और ना ऑयल फेस के ऊपर आता है, तो फेस के ऊपर आता है ना तो वहां पर पिंपल्स वगैरह फेस पे प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो सर। ओके थैंक यू सर। हाँ बोलिए। आप एक बार स्टीम के बारे में बताना सर, कुछ बोलते हैं कि स्टीम अच्छी होती है और कुछ बोलते हैं सर स्टीम अच्छी नहीं होती, तो सर आप इसके बारे में बताना एक बार। ओके, तो सीरम ना, सीरम कह रहा हूँ मैं, स्टीम जो होता है ना, हाँ ठीक है, स्टीम जो होता है, स्टीम का काम होता है एक तरीके से हमारी क्यूटिकल लेयर को ओपन करना, ठीक है, उसकी हीट की वजह से, उसकी स्टीम की वजह से हमारे क्यूटिकल लेयर ओपन होने के बाद ना स्टीम हमारा मॉइस्चर भी अंदर देती है, बालों को मॉइस्चर देगा, आपके स्कैल्प को मॉइस्चर देगा, ठीक है, पर मॉइस्चर तो देगा ही देगा, अगर आपने ज्यादा कर दी ना, ज्यादा ही ज्यादा हीट दे दी तो वो वापिस से मॉइस्चर को निकाल भी लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टीम जो रहेगा वो इतने लेवल पे रहे, कोई कोई तो 20-20 मिनट स्टीम देता है, तो 20 मिनट तो कभी भी नहीं देनी चाहिए, तो आपका लास्ट 5 मिनट रहेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, कम से कम आप यहाँ पर 3 मिनट दो, 2 मिनट दो, अगर किसी की स्कैल्प ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज है स्कैल्प है, हेयर है, तो वहां पर आपको स्टीम देना ही नहीं है। फेस पे भी आपने ना, जो फेस पे भी आपने देखा होगा, आपने शायद मैम के अगर आपने क्लासेस लिया होगा तो फेस के अकॉर्डिंग भी जो स्टीम रहता है ना वो आपका, अगर ऑयली है स्किन तो आपका स्टीम ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वहां पर स्टीम ही नहीं देते। अच्छा ठीक है सर, फेस के लिए भी सेम ऐसे ही रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए फिर क्लास को ओवर करें। गुड नाइट सर। सर हेयर स्पा के बाद कितने दिन बाद ऑयल कर सकते हैं? हेयर स्पा के बाद देखो, हेयर स्पा जो होता है ना ये आपका चलता है ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक चलता है, ठीक है, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 15 दिन के बाद आपको ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग आप वीक में एक बार कर सकते हो, उससे हेयर स्पा से क्या मतलब है? हेयर स्पा आपका क्या करता है, साफ के ऊपर काम कर रहा है, ऑयलिंग आपका स्कैल्प के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, तो आप हेयर स्पा का वेट नहीं कर सकते कि 15 दिन बाद करोगे, वहां पर आप हफ्ते में करने करना है, और हेयर स्पा महीने में 2 बार लेना चाहिए, तो हफ्ता हफ्ता हो गया तो ये तो पूरा नहीं हो पाएगा ना। चलिए फिर क्लास को ओवर करते हैं, बाय, गुड नाइट।